अमराईवाड़ी पत्रावाड़ी चाली अंदर अत्यारे खास करीने एक समस्याओं जो मळी रही है। कही शकाय के 50 अमराईवाड़ी विधानसभानी पेटा चूंटणी चाली रही है। केटलाक भाजप होय के कांग्रेस होय के एनसीपी होय तमाम लोकोमांथी उम्मीदवार उभा थया छे। चूंटणी लड़वानी जे तैयारी है ते तैयारी तेमनी जोरोशोरोथी चाली रही है। परंतु जे पत्रावाड़ी चाली है खास करीने हूँ आपने दृश्यों बतावा मांगीश कि आ जे चाली है त्यां घणीवार छे जे अवरनवर जे छे ते घणा घरोमां गटर उभरावानी समस्या बनती होय छे। तो क्यारेक रोड पर पानी भरावानी समस्या बनती होय छे। परंतु जे अहींना लोको छे ते खास करीने केटलीक हालाकीनो सामनो भोगवी रह्या छे। ते तेमनी साथे ज सौप्रथम बात करिए। सबसे पहले आपके वहाँ क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हमारी गटर बनना चाहिए। पानी भरा जाता, झाजरू भरा जाते, कोई सुनान बारे बार नहीं है। मतलब गटर आपके वहाँ बनाया नहीं है? बनी नहीं है गटर, वो खाली चम्मर है, टाइम कनेक्शन दे रही है। आपने कभी कंप्लेन की? हाँ करी, कंप्लेन की नहीं, कोई भी आए भी नहीं, देख जाते चले जाते, बनाने नहीं आए। तो अभी आपके वहाँ से यहाँ अमराईवाड़ी से काफी लोग चुनाव लड़ रहे, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की हम काम बोल रहे हैं कि भाई उसको सुधारा करवाओ। आपके वहाँ क्या समस्या, आप क्या कहना? हमारे यहाँ समस्या है कि यहाँ हमारे रोड जो बनाई है वो डालाने से सामने दूसरे के यहाँ करा हुआ है, तो सब पूरी चाली का पानी आता है, तो यहाँ आपस में झगड़ा होता है फिर हमारे। तो उसका यानी सुधारा हो जावे। और आगे गेट के सामने घुसो तो वहाँ कितना सा गंदवाड़ा पड़ा है, बोलते हैं कि मच्छर हो गए, मच्छर हो गए, क्यों नहीं होंगे मच्छर? इसकी सुनाई तो करनी चाहिए। तो आपने कभी कंप्लेन की है? कंप्लेन क्या, हमारे बिरजू भाई है, वो आते हैं, उनसे बोलते तो हाँ करा देते हैं बस। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, सुनाई नहीं हुई है। अच्छा, बीजा अन्य एक बहन से तेमनी साथे बात करिए। आपके वहाँ मतलब क्या समस्या है? हमारे वहाँ गंदगी होती है और हमने गटर के लिए ही बोलते हैं तो पब्लिक आती है, फिर सफा करके चले जाए, फिर ऐसे के ऐसे कचरा हो जाता है, कोई सुनाई नहीं। गली में गंदगी रहती है, अब बच्चे छोटे छोटे, डेंगू हो गया, अभी घर में बीमारी हो गई, तो फिर उनको क्या करेंगे? फिर गटर भरा गई, अभी एक खोद काम करे, यहाँ पानी भरा वहाँ पानी भरा, उसकी समस्या निकालोगे तो तुम वो जीतोगे भी। तो आपके वहाँ से काफी बार अर्जी करने में आई है लेकिन कोई निकाल नहीं आया? कुछ निकाल नहीं आया। आते हैं, धमकी दे, हाँ आज कर जाएंगे, कल कर जाएंगे, ठीक है हमने बोला नहीं करे तो चले जाते हैं, बस मट्टी निकाल के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। आप क्या कहना चाहते? बस ये कहना चाहते हैं कि सुधारा हो जावे तो अपने कुछ अच्छा रहे ना, कोई बीमार ना होवे। अभी आप सामने जाके देखो, कोई आ जा, चार मेहमान आ जावे, लेके जाओ रोड पे सब, ये तुम्हारे यहाँ कैसा पड़ा रहता है? तो कचरे की गाड़ी नहीं आती? आप कचरे की गाड़ी आती है, सुबह थोड़ी देर साफ रहेगा, बस दोपहर में फिर ऐसे ही कैसा हो जाएगा। अच्छा, तो खास करीने जे आ महिलाओं छे ते आजे एकत्रित थईने खास करीने मीडिया समक्ष जे छे ते पोतानी मांग मूकी रही है। खास करीने आ जे दृश्यो छे हूँ आपने अहींया बतावा मांगीश कि आ जे दृश्यो छे ते जे गेट छे जे चालीनी अंदर एंटर थवानो, ते गेटनी अंदर घणी वार जे छे ते वारंवार अहींया गंदकी थती होय छे ने केटलाक कचराओना ढेर जे छे त्यां जोवा मळतो होय छे। परंतु कोईपण प्रकारनी कार्यवाही करवामां नथी आवती, जे छे कचरो हटाववामां नथी आवतो। आपणी साथे अन्य पुरुषो हाजर छे, तेमनी साथे वात करीए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ तो कोई समस्या विशेष नहीं है क्योंकि अब बिरजू भाई का जो है ना भाजपा का कार्यकर्ता वो बराबर कामकाज कराते हैं। महिलाओं का कहना है कि गेट के ऊपर कचरा ज़्यादा देखने मिलता है, गंदगी बहुत होती है, क्या कहना चाहेंगे? अरे उसमें मैं क्या बताऊँ, जो कामकाज तो चालू है हमेशा। तो बिल्कुल, तो हमनु कहूँ है कि कामकाज चालू है, परंतु जो महिलाओं है खास कर अपील कर रही है कि जो वारे घड़ीए जो गेट पर जो आ प्रकार गेट है तो वारंवार त्या गंदगी थती हो तो गंदगी ने अटकाववामां आवे। और खास कर घर घर में जो गटरो उभराय है गटरों ने उभरावानी समस्या ने जो निकाल करवामां आवे, कारण कि क्यांक ने क्यांक ते लोकोने पोताने हालाकीनो सामनो भोगवो पड्यो रह्यो होय तेवुं स्पष्टपणे लागी रह्युं छे ने वारंवार रजूआत करवा छतां पण कोईपण प्रकारनी ते लोकोने मदद करवामां नथी आवी। तो अत्यारे ते लोको जे छे ते मीडिया समक्ष मददनी मांग मांगी रह्या छे। कैमरामेन राकेश भरवाड़ साथे प्रेम चौबे, NS गुजरात न्यूज, अमदावाद।